गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी बड़ी बहू पढ़े थे। आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में न्यू चैप्टर लेसन 9 लिंग भी हम लोग पढ़ेंगे कि लिंग की परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद हैं, इसके भेदों की परिभाषा क्या है, लिंग की पहचान क्या है आदि। आइए सबसे पहले देखते हैं लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है या होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़कियां दौड़ रही हैं, शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है, ये इसके लिंग के उदाहरण हैं। अब देखते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा है कि जिस शब्द से स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की पढ़ाई कर रही है, शेरनी दहार रही है, गायिका गाना गा रही है आदि, ये सारे स्त्रीलिंग के उदाहरण। अब दूसरा पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग की परिभाषा क्या है। तो जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, शेर दहाड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है आदि, ये सारे पुल्लिंग के उदाहरण। आइए देखते हैं हम पुल्लिंग की पहचान क्या है। तो पुल्लिंग दो है, तत्सम पुल्लिंग शब्द और दूसरा तद्भव पुल्लिंग शब्द। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र आदि, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों के अंत में न होता हो वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण आदि। हम तद्भव पुल्लिंग शब्द। जातिवाचक संज्ञाओं को छोड़ बाकी जितने सारे अकारांत संज्ञाएं हैं वे सारे पुल्लिंग होती हैं, जैसे कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा आदि। और जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना आव, पन, वा, पा होता है जैसे गाना, बहाव, बढ़ाव, बड़प्पन, बढ़ावा आदि। अब देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग भी दो है, तत्सम और तद्भव। अकरण संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा होती है वह स्त्रीलिंग है, जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा आदि। अब नकारांत संज्ञा, जैसे नकारांत अर्थात जिसके अंत में न हो और आ की मात्रा हो, जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना आदि। अब उकारांत संज्ञा, जैसे उकारांत अर्थात जिस शब्द के अंत में ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा लगी, जैसे वायु, रेणु, रज्जु इत्यादि। अब तद्भव स्त्रीलिंग। तद्भव स्त्रीलिंग में भी इसी प्रकार है कि करंत मात्रा, जिस शब्द में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हो वह स्त्रीलिंग, जैसे नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी आदि। अब अपवाद अर्थात रेयर केस में, जैसे घी, जी, मोती, ये सारे भी स्त्रीलिंग हैं। तकारांत अर्थात जिसके जिस शब्द के अंत में त हो, शरांत, बार, लात आदि। अब उकारांत जिसमें बड़ी उ की मात्रा हो, जैसे बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाड़ू आदि। अब इसके भी अपवाद हैं, जैसे आंसू, आलू, रतालू, टेसू इत्यादि। इतने सारे एग्जाम्पल हैं इकारांत मात्रा के। धन्यवाद।